Hi, everyone. This is Janesh Kota here, and welcome to our video of French. So, students, continuing the French grammar practice series, uh, we have come up with a new grammar topic that is la negation. In French, uh, there are a lot of different, different negations, students. So, it's a part of your vocabularies also. You have to learn all the different negations that we have in French, and then how to use those negations in your exercise, and how these questions can also come in your exams is what we're going to do in this particular video. Ba -cholo, ba -cholo. शुरू करने के पहले आप चैनल को फटाफट फ़ड़ सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट ओके सो द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स वी शुड बी वेरी गुड विद ऑल द वोकैबुलरीज ऑफ नेगेशंस दैट वी हैव इन फ्रेंच सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर द फर्स्ट वन नो वन और नोबडी ओके यू हैव टू लर्न दैट नो वन और नोबडी नी 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 इज नेगेशन ना नॉर तो ये सारे नेगेशन है अगर आप देखोगे वर्ब के पहले स्टूडेंट्स वर्ब के पहले न आना चाहिए और वर्ब के बाद नेगेशन आना चाहिए अच्छा तो कौन सा नेगेशन आएगा कोई भी नेगेशन आ सकता है यू हैव टू चूज वन ऑफ देम और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे आज की वीडियो में न पा मींस नॉट नथिंग या नॉट एनीथिंग प्लू इज नो लॉन्गर और नॉट एनी मोर नो मोर भी बोल सकते हैं न्यूल पार्ट नो वेर और नॉट एनी फाइनली नीन्स नथिंग बट या ओनली होता है ओके स्टूडेंट्स सो इन सबके अंदर थोड़े और भी रूल्स है तो क्या रूल्स है वो हम सेंटेंस सॉल्व करने के टाइम कंसिडर करेंगे चलो और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास और भी है कुछ देर आर समोजिट गि तो आप ऑपोजिट देख लो पेरसोन का ऑपोजिट होता है Person का ऑपोजिट है देखो स्ट जब भी नेगेटिव करते ना आपको इस तरह से कुछ साइन करनी होती है नेगेटिव की आ, ये नॉट इक्वल टू साइन बोलते हैं ओके okay, तो सारे ऑपोजिट्स के बीच में आपको ये नॉट इक्वल टू साइन करना कंपलसरी है मैंने फिलहाल नहीं किया पर आप समझ जाइए तो पेरसोन का ऑपोजिट है तुलमोन नो वन एवरीवन रिया मींस नथिंग सो एवरीथिंग इज टू तो वो एवरीथिंग हो जाएगा ओके okay, ये नेगेशन हो गया थर्ड इज जामे जामे मींस नेवर तो उसका ऑपोजिट आएगा ऑलवेज एंड फाइनली न्यूल पार्ट Means no one, और part two means nowhere, everywhere. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कुछ और ऑपोजिट हो सकते हैं तो हमको क्या करना है students? आज हमें सबसे पहले क्या करना है हमें नेगेशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है किस तरह से सोल्व करते हैं एक्सरसाइज को सो लेट सी सो कम्प्लीट विद्रेज कम्प्लीट विधअ अवन फ्यू वर्ड एंड इन द फिल्क्स ठीक है सो so, अब सबके मीनिंग आप लोग को ऑलरेडी आते होंगे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं बिकॉज अभी जस्ट हमने मीनिंग देखे थे तो आपने वीडियो को पॉज कर कर आपको सारे के सारे नोट uh, आपको कॉपी करनेवर न पैसॉन इज नो वन नर इज नथिंग नी मतलब नाइदर नॉर नोर न प्लू इज नो लॉन्गर या नॉट एनी मोर न्यूल पाथ नॉट एनी वेर न क मीन्स नथिंग बट तो येस मुझे सारे के सारे नेगेशन आते हैं बिना देखे मतलब मैंने आंसर्स को नहीं देखा मुझे सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है वेल डन जयलिश हाँ, हाँ तो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे फर्स्ट वन इट इट्स हमें नहीं आएगा she neither, she neither तो न नी न नी okay? आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात बता दो नी नी इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ आर्टिकल देखो शापो के पहले कोई आर्टिकल है क्या नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लर्न कर लो नीनी नी नी ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ आर्टिकल उसके लिए अलग से आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है नाउन के पहले सेकेंड क्या लिखा हुआ है सेकेंड ज वर्ब के पहले न आएगा इतना तो श्योर है आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स टूडे तो आई एम नॉट गोइंग एनी आना चाहिए न्यू पार्ट आई एम नॉट गोइंग एनी वेर विद माई फ्रेंड्स टूडे थर्ड वन एरिक न रॉन थ्रो एरिक मीट्स डैश एट द स्कूल तो मीट्स मीट्सोन आएगा सुनो एरिक मीट्स नो वन एट द स्कूल

ब्रदर इज नेवर ऑन टाइम एट द ऑफिस आलर मीन ऑन टाइम आलर ऑन टाइम नेक्स्ट डैश आई हैथिंग इन माई बैग सेवेंथ वन इल नो समझ रहे बिकॉज क्लैश हो रहा है इन ही बाईज डैश वेजिटेबल्स क्यू यू -E. देखो आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ स्टूडेंट्स रूल क्या बोलता है यहां पे मैंने क्यू यू कर, क्यू डाला मैं बता रहा हूं आपको that all article, if you know what आपको पता होना चाहिए ये

Yeah, I saw no one in your room. Tenth one, my children, no, saw. my children are dash, are no longer, my children are never, nah, my children are no longer at the nursery school. My children are no longer at the nursery school. So, students, what is the best way to find the answer? Is you do the translation of each and every sentence in English, and whatever suits you good or better in English, you can put the same thing in French. Okay, that's the trick, and that's the fun down. चलो बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे टोटल तीन एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करने वाले हैं वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट वन नाउ ओके सो इट इज पुट द फ्रेज इन द नेगेटिव नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली सिर्फ नापा डालना होगा नेगेटिव करना हमें फिलहाल यहां पर हम सेंटेंस रीड करके डिसाइड कर लेंगे फर्स्ट वन रवेल वो आविटर वे कम एट 8:00 तो नो र वो आ वो रवैये पाएगा प्रोलॉन की प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्सुक्रेटर वर्क नवै रवैये पा फिर आ, विद और बाकी सब कुछ पे हम ये कर लेते हैं बस ग्रेट नवैतर डू नॉट वेक अपट एट क्लॉक इसमें इम्पोर्टेंट क्या था जब क्वेश्चन इंपेटिव में था तो ये प्रोलाउन की प्लेसमेंट कहां थी आफ्टर दाइफन जब मैंने किया तो प्रोला की प्लेसमेंट कहा चली गई बिफोर द वॉब ग्रेट वेरी गुड ठीक है आगे बढ़ेंगे थर्ड वन अच्छा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है वर्ब के आगे पीछे न पाएगा और याद रखना प्रोनाउन हमेशा चिपक्य रहता है प्रोनाउन हमेशा वर्ब से चिपक्य रहेगा एकदम चिपक्य रहेगा ठीक है फिर से नोटिस किया स्टूडेंट ये जो प्रोनाउन वो आफ्टर दाइफन दिया था बट आंसर में हमने इसको क्या कर दिया बी बिफोर द कॉन्टेड वर्ब बिकॉजेटिव उसकी प्लेसमेंट क्या आती है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वॉब अगेन सिमिलरली फोर्थ वन में भी करेंगे जो क्वेश्चन में दिया, बाकी दिया हम सब कुछ ऐसे करेंगे उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है डू नॉट गेट अ फास्ट इल स रा इन द मॉर्निंग तो इल न स रा मता ठीक है न पा कहा आएगा बिफोर द तो

टेन ओ क्लॉक डो नॉट स्लिप एट टेन ओ क्लॉक ओके चलो सो आई एम डो एक्ट से प्लेसमेंट पीछे डाल दी ओके नू रो नू आपने नंबर एट क्या स्टूडेंट नेगेटिव इंपरिटिव नेगेटिव इंपरिट क्या होता है न सबसे पहले पांच सबसे लास्ट में बीच में उल्टा है फिर क्वेश्चन मार्क् नू बाकी जो दिया ना रो नू ओके बाकी अब इसके बाद देखो आप अगर इतना सा फॉर्मेट देखेंगे ना तो न सबसे पहले पास सबसे लास्ट में बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क बीच में उल्टा हाइफन डाल दिया हमने सब जगह वो उल्टा कर दिया और याद रखना ये जो प्रोनाउन नू है ना वो हमेशा वर्ब को चिपक के रहेगा बाकी सब कुछ पूरा आप यहां से कंटिन्यू कर दो एकदम लास्ट तक लिख दो और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देना तो क्वेश्चन था ंग रेस्ट आफ्टर है फिल्म फिनिश द फिल्म पा मोन ऑफ ठीक है चलो तो देपैश में स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे ये क्यों डालेंगे परफेक्ट जू आई डि नॉट एंजॉय माइ सेल्फ इथ दूके आई म्यूजे इलेवन वन नू जालो नू हाबी थे चलो स्टूडेंस मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब है ना तो आलियर के आगे पीछे आएगा के आगे यहाँ पे न और यहाँ पे पा

नसेपा प्रोमिने तो वर्ब एत्र है स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट वो होगा उसके आगे पीछे ना डालना है तो लॉफो न से प्रोमिने नसेपा प्रोमिने डॉलर शारदा फोर्टीन वन अगेन पासे कंपोज है एल न वंस अगेन एल न ओके एल, एल न से पा एंटरेस्ट एल से पा एंट्रेसो एन एं न सेपा एंट्रेसो आधा जियोग्राफी तो जो वो अब ए पाएगा तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जोग्राफी एंड लास्ट वन एस अगेन पास नॉम पा लैट वी डिट गेट अब लेट क्वेश्चन मार्क्स इज दैट वी डिट गेटअप लेट क्वेश्चन मार्क् तो याद रखना स्टूडेंट्स भले वो फ्यूचर क्रॉश हो भले हो भले पास कंपोज़े हो फर्स्ट वो अब क्या के पीछे ना पाएगा? इतना हमें हमेशा याद रखना है नाइस nice. चलो गोइंग स्टूडेंट्स पुट नेगेटिव अब स्टूडेंट्स यहां पे नेगेटिव में है पर सिर्फ नौ पानी आएगा बाकी कुछ भी आ सकता है तो आइए स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि नौ पानी और कुछ आएगा वो भी हम देखेंगे यहां पर ओके okay? फर्स्ट वन हैनरी देखो यहां पर लिखेंगे कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे, और खाली डी ईवी ऑनगा पार्टिटिव आर्टिकल इन देंटेंस चेंजेस टू डी ईल दर्टिकल्स चेंजेस टू डी आएगा इसका ध्यान रखना आप लोग को चलो ग्रेट सेकेंड वन

थर्ड वन नू रॉन कॉन फ्रो तुलमोन नू रॉन कॉन फ्रॉलोन चोल राइट ऑफ योर वी मीट एवरी वन तो नू नॉन कॉन फ्रॉ पेरसोन टुलट क्या होगा स्टूडेंट पेरसोन हो जाएगा वी मीट नो वन नू नो रॉन कॉन फ्रॉ पेरसोन आलाट नो वन मीट एवरी वन एट दर्ट मीट नो वन एट द पार्टी ओके नो द्वेशन में नो वन होता है इसीलिए नोवेर

बिकॉज नी नी आर्टिकल का भी रोल प्ले करते हैं तो क्या आएगा ज ने ये नी स्टीलो न्यू क्रियो आई नो आई ना हैव पेन नॉर पेंसिल सिक्स वन ओके

La television, question mark. Television. So does she she look the television? She doesn't टेलीविजन डजन शी लुक एट television? क्वेश्चन मार्क टेलीविजन दोनों ई पेड़ स्टूडेंट्स तो रूल किया जब नेगेटिव होगा इंटोरोगेटिव होगा तो नौ सबसे पहले पांच सबसे लास्ट में बीच में उल्टा हैफन क्वेश्चन मार्क Moving फॉर टू एट वन now. डू यू ईट eggs?

डांसिंग नो सिंगिंग टेंट वन मो पैर एंकॉर एज स्टिल तो मो पे नेप्लू स्टूडेंट्स so, ऑंकॉर का क्या होगा ऑंकॉर का क्या हो जाएगा नोपलू नो लॉन्गर है ना इंग्लिश में देखो माई फादर इज येट इन यूएसए माई फादर इज नो लॉन्गर इन यूएसए ओके okay, बाकी सब यूनी स्टॉप ग्रेट तो मैंने यहां पे नो ब्लू डाला है बिकॉज माय फादर इज नो लॉन्गर इन यूएसए फादर पेर में स्टूडेंट्स क्या e ग्राव आ जाएगा इलेवेंथ वन नाउ आशित लास्ट प्ले बाय इट प्लीज क्या नाशित पा so, स्टूडेंट्स ये कौन सा टेंस है हमारा This is, uh, this is imperative command दिया था, तो इट प्लीज नॉल वा पीछे वाला पार्ट आप एस इट इज लिखने आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है प्ले में यहाँ पे आई सकम्फ्लेक्स आएगा डो नॉट बाईट प्लीज ट्वेल्व वन द बॉय एट ऑलो एट ऑल एट एवरीथिंग ऑपोजिट नथिंग आएगा ना रिया मोनशे ना रिया मोनशे दिंग होगा नथिंग ऑपोजिट थर्टीन ऑलवेज प्लेस इन द इवनिंग तो ऑलवेज का नेवर आएगा इन ही प्लेस इन द इवनिंग ही नेवर प्लेस इन द इवनिंगफेक्ट फोर्टींथ वन

So students, if you see over here, we have completed entirely the entire uh, negation part and grammar part all together. We have completed. Mm, yep. So hope you have understood the entire video, students. And if you have any doubt, you can obviously put it in the comment section. Uh, yeah, I have told you guys in the previous videos also. If you are looking out for any more uh, videos on any particular grammar topic, you can always let me know in the comment section. Uh, we are running some Zoom lectures too. Uh, Zoom lectures too in the uh and you can if you want to be a part of the zoom lectures you can let let me know uh so subscribe to our channel till then and like the video share it with your friends thank you so much friends bye bye